हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं। स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह का 5:15 हो रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो दोस्तों अभी घूम लिया, अभी थोड़ा सा बैठे हुए हैं यहाँ पुल पर, हमेशा यहीं पे आते हैं, इधर ही हमारा रूट है घूमने का। तो आया है ना तो देख सकते हैं आम का पेड़ है यहाँ पे, तो एक आम मिला है छोटा सा, तो इसको खाएँगे, कैसा लगता है देखेंगे, खाते हैं। छोटा है लेकिन मीठ बहुत है दोस्तों, कौन सा आम है से मालूम नहीं पड़ रहा है लेकिन मीठ बहुत ज़्यादा है। दो बार आम लाए थे सीतामढ़ी से, तो बम्बई बता करके और दे दिया था दूसरा आम, तो वहाँ टेस्ट कराया बम्बई का तो मीठ खूब था, और घर लाया तो सारा आम खाटा था। तो घर पे ही ले लेते हैं, अब नहीं सीतामढ़ी से नहीं लाते हैं, क्योंकि ठेला वाला बहुत झूठ बोलता है। ठेला वाला जो है ठेला वाला से लाए थे, टेस्ट कराएगा कोई और आम देगा कोई और आम, इससे अच्छा दुकान वाला से लो तो दुकान वाला अच्छा आम देता है, क्योंकि उसको दुकान है तो दुकान ख़राब नहीं करना है ना, इसलिए वो ख़राब माल नहीं देगा, लेकिन ठेला वाला कैसा भी दे देता है। लेकिन दोस्तों ये छोटा ही है, बहुत ही मस्त है, मीठा है, खाते हैं फिर चलेंगे घर पर, माल सरियाएँगे, मिलते हैं दोस्तों घर पर चल करके। अभी चलते हैं, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का व्यू है, बहुत प्यारा सा व्यू है सुबह सुबह का, और सुबह सुबह घूमने में जो है ना बहुत ही मज़ा आ जाता है। चलते हैं घर पे, मिलते हैं। हाँ दोस्तों, भी आ गया घर पे और अभी चलते हैं माल को सरियाते हैं। इधर लाइट भी आ चुका है, कटा हुआ था, तो चलते हैं ये वाला सरियाएंगे, उसके बाद गमछा सरियाएंगे और झोला में का भी सरियाना है, क्योंकि सब इधर उधर हो गया है, पानी में से जो छिटा उठा गया है कुर्ती सब, तो सबको सरियाएंगे। तो अभी 5:30 से ज़्यादा हो रहा है, तो चलते हैं सरिया लेते हैं सब। हाँ दोस्तों, अभी सारे माल को हमने सरिया लिया, देखते हैं झोला भी पूरी तरह से फुल हो चुका है, रेडी हो चुका है, और इधर भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है माल। दोस्तों आज भी भरपूर है और इतना माल हमारा स्टॉक में है, अभी बचा हुआ है तो देख सकते हैं। दो बंडल गमछा है, ये वाला लेकर जाएंगे और वो वाला जो है ना वो स्टॉक में, और बोला में भी, इस बोरा में भी प्लाजो उलाजो हो गया हमारा सारा काम से लिया हुआ हो गया। टाइम दोस्तों 7 बजने वाला है, तो चलिए अभी चलते हैं बड़ा सा स्नान करके और फिर मिलते हैं, लगभग 8:30 बजे से निकलेंगे फ्री हो, चलते हैं तब तक बड़ा सा स्नान करके पूजा वूजा करके रेडी हो जाते हैं। खाली दोस्तों अभी स्नान वस्नान कर लिया, पूजा वूजा करके रेडी हो चुका हूँ, अभी दोस्तों खाना खाते हैं और उसके बाद माल लोड करेंगे, ऐसा भी लोड करना बाकी है माल सब, देख सकते हैं अभी, तो चलते हैं खाना खाते दोस्तों। देख सकते हैं कई है, चावल है और सब्जी है परवल का, तो चलिए खाना खाते हैं, खाना खा के निकलेंगे, टाइम 8 बजने वाला है, अभी 8:30 बजे से निकलना है। तो अभी खाना ना खा लिया और माल भी लोड कर लिया हूँ, अब चलते हैं। देख सकते हैं माल लोड हो गया है, गमछा लोड करना बाकी है, गमछा भूल रहे थे गमछा लोड करवे नहीं किए जा रहे थे, चलिए गमछा लोड करते हैं और उसके बाद में चलते हैं। तो दोस्तों गमछा भी लोड हो गया, देख सकते हैं, और 9:45 हो चुका है अभी, तो चलते हैं दोस्तों अभी निकलते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम 11:15 होने वाला है और 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया घर से निकला हुआ, 2 गांव घूमे हैं, सेल दोस्तों ठीक ठाक हुआ है, अब बोहनी भी अच्छा से हुआ है, 400 का सेल हुआ है बोहनी के समय में ही, तो आज बोहनी ठीक हुआ है और सेल भी अच्छा हुआ है, कितना हुआ है अभी गिनती नहीं किया है। और अगला गांव जो है ना मधुरापुर में घूम लिया, अभी है कौन कुरियार है, कुरियार के बाद बिशुनपुर है, तो कुरियार घूम के और फिर मिलते हैं, देखते कुरियार में कितना का सेल। कुरियार गाँव घूम लिया, टाइम 12:30 हो गया, लगभग 1.5 घंटा समय लगा है और 350 का सेल हुआ है, तो समय ज़्यादा लग गया और सेल कम हुआ, धूप काफ़ी है, रुकने पर धूप ज़्यादा है लेकिन गाड़ी चलाते हैं तो हवा लगता रहता है, अभी चला रहे हैं तो अभी ठीक है, जब रुकते हैं तो गर्मी ज़्यादा होने लगता है, तो चलते हैं अभी अगला गांव बिशुनपुर है, बिशुनपुर गांव घूम के। दोस्तों अभी टाइम 1:30 बज गया है और अभी 2 गांव में मैं घूम लिया, बराही और बिशुनपुर,
लेकिन अभी एक भी नहीं बिक्री हुआ। नाश्ता किया है और अभी आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा रुकते हैं छाँव में, उसके बाद चलेंगे क्योंकि बिक्री अभी बहुत ही कम हुआ है। दोपहर के समय में जो है ना कोई आदमी भेटाता ही नहीं है। थोड़ा देर रुकते हैं, 10-15 मिनट। 3 बज रहा है और अभी ब्राही एक और टोला घूमना था तो घूमे हैं, वहाँ से जो है ना 10 मिनट रुके हैं तो निगेटिविटी आने लगा है जब रुके हैं तो, जिसके वजह से निगेटिविटी आ रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था घूमने के थोड़ा 10 ही मिनट में, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं घूमते हैं, नहीं तो और ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे और बैठ जाएंगे तो चल दिया हूँ। तो दो गाँव हुआ हूँ, ब्राही के बाद में बोकठा, अभी चलते हैं सुप्पी गाँव घूमते हैं। और चल दिया है वहाँ से तो सेल ठीक ठाक हो गया है, 6-7 गो गमछा नाइटी ये सब बिका है। अभी चलते हैं सुप्पी गाँव घूम के फिर मिलते हैं। टाइम अभी दोस्तों हो गया है कितना, 3:15 हो गया है। चलिए सुप्पी गाँव घूम के फिर मिलते हैं। टाइम अभी 5:30 हो गया है और अभी सुप्पी गाँव ही घूम रहा था तो अभी सुप्पी गाँव घूम लिया। अभी चलते हैं दोस्तों अगला गाँव जो है रामनगरा है, 1.5 घंटा समय है, 1.25 घंटा, तो रामनगरा घूमते हुए घर की तरफ चलेंगे। सुप्पी गाँव में दोस्तों मस्त सेलिंग हुआ है तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है सुप्पी हाई स्कूल, जो इस प्रकार का दे सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं रामनगरा घूमते हैं। दोस्तों अभी बागमती नदी के बांध होकर के चल रहा हूँ, टाइम दोस्तों 6:30 बज चुका है, देर अभी डूबने ही वाला है तो चलते हैं। और रामनगरा गांव पूरा नहीं घूम पाया हूँ, रामनगरा घूमा भी नहीं हूँ, दूसरे रास्ते होकर के ही आ रहा हूँ। तो रास्ते में ही प्लाजो कुर्ती उर्ती ओढ़नी सब और बंडी टेप उप सब मिला करके 800-900 का बिक्री हुआ है, रामनगरा नहीं घूमा हूँ। अभी दोस्तों देर डूब गया है अभी तो अब अंधेरा होने वाला है, अब चलते सीधे डायरेक्ट घर की तरफ। ये साइड में बांध है दोस्तों, बांध के उस साइड में नदी है तो बांध के नीचे होकर के रास्ता है तो उसी रास्ता से निकल रहे हैं। जाते जाते दोस्तों अंधेरा हो जाएगा और अब फेरी नहीं करेंगे अब क्योंकि बेयर अभी डूब चुका है, तो डायरेक्ट घर पर चलते हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर घर पहुँचने में है, आधा घंटा लगेगा क्योंकि धीरे धीरे चला रहे हैं इसके लिए। खाली दोस्तों अभी आ गया घर और आकर के माल सारा उतार लिया और आते आते अंधेरा हो गया, देख सकते हैं अंधेरा भी हो गया है। खाली दोस्तों अभी आ गया, हाथ धोकर फ्रेश होकर के इस घर में और दोस्तों सारे रुपया का सरिया लिए हैं, देख सकते हैं कितना है, गिनती नहीं किया है, गिनती करते हैं। और दोस्तों खाना भी आ गया है, देख सकते हैं इधर खाना है रोटी, तो चलिए पहले गिनती कर लेते उसके बाद में खाना खाएंगे। दोस्तों ये 1,500 रुपया है देख सकते हैं और अभी गिनती नहीं की है, सरिया लिए हैं। टोटल कितना होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 44, 45, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 रुपया 50, यानी कि 5 ये है 5,000 और इधर 50 है, जैसे कि हिचकी सब सब, तो 5,050 का सेल हुआ है। और जो बाकी ले गए हुए थे वहाँ से 3,000 रुपया ले गए हुए थे दे सकते हैं, तो ये निकाल दिए हुए हैं, तो 5,050 का सेल हुआ है। तो चलिए अभी आज का वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता तो लाइक कीजिए। और उधर मेरी माँ ही है दे सकते हैं, तो चलिए खाना खाते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।